निम्न सूचनाओं के आधार पर चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। रोकड़ 3 लाख, कैश 3 लाख, डेटर्स 1 लाख, स्टॉक 1,50,000, बिल्स रिसीवेबल 70,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल 70,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, मशीनरी 3 लाख। हमने देखा कि किस प्रकार जब हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करना होता है, चालू अनुपात की गणना करनी होती है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में किन किन मदों को जोड़ा जाएगा, यानी कौन कौन से मदें इसमें शामिल होंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे करंट एसेट्स इक्वल टू, अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा कैश 3 लाख प्लस स्टॉक 1,50,000 प्लस डेटर्स, यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे एसेट्स है करंट एसेट्स 1 लाख के, प्लस बिल्स रिसीवेबल दिखाई दे रहा है हमको 70,000 का, उसको प्लस कर देंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 10,000 के, वो प्लस हो जाएगा, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 10,000 का, ये भी प्लस हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 लाख, 1,50,000, 1,70,000, 10,000 और प्लस 10,000, इन सभी मदों को हम जोड़ देंगे तो करंट एसेट्स टोटल हमारा आ जाएगा 6,40,000। अब हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो क्रेडिटर दिया है 1,20,000 का, बिल्स पेबल दिया है 70,000 का, और इसमें प्लस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट लायबिलिटी है 15,000, इसको भी प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 2,000 के, ये प्लस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 1 लाख का, ये प्लस हो जाएगा। तो इतनी लायबिलिटीज है हमारे पास करंट लायबिलिटी, इनको सबको हम प्लस कर देंगे तो 3,07,000 हमको करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। अब क्योंकि हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों हमने कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू 6,40,000 डिवाइडेड बाय 3,07,000, यानी 2.08:1, 2.08 अनुपात 1, या इसका करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी से चालू अनुपात का परिकलन कीजिए। स्टॉक 50,000, डेटर्स 40,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, एडवांस टैक्स 4,000, कैश 30,000, क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। यहाँ पर भी हमको क्योंकि करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात की गणना करनी है, जिसका कि फॉर्मूला हम देखे हैं कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है। यहाँ भी हमको देखना है कि इन पूरी जितनी भी मदें दी हुई हैं, इनमें से करंट एसेट्स कौन कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हैं, उनको अलग करके फिर हमको ऐड करके करंट एसेट्स टोटल और करंट लायबिलिटी टोटल कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स है, फर्स्ट तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको स्टॉक है 50,000 का, डेटर्स है 40,000 के, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है 10,000 का, उसके बाद एडवांस टैक्स क्योंकि एडवांस दे चुके हैं हमने तो वो है 4,000 का, कैश है एसेट्स हमारे लिए ये है 30,000 की। तो इतनी करंट एसेट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनका हम टोटल कर देंगे तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा 1,34,000। और करंट लायबिलिटी अगर हम देखें तो करंट लायबिलिटी में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो क्रेडिटर है 60,000 का, प्लस बिल्स पेबल है 40,000 का, और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000 की। तो टोटल यहाँ पर करंट लायबिलिटी हो जा रही है 1,04,000। तो करंट रेशियो यहाँ पर हम लिख लेंगे, करंट रेशियो इक्वल टू हमने देखा कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू 1,34,000 अपॉन 1,04,000, यानी ये हो जाएगा 1.29:1, ये हो जाएगा हमारा चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो। निम्नांकित सूचनाओं से चल अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, चल संपत्तियां करंट एसेट्स 4 लाख, स्टॉक इन्वेंट्रीज 2 लाख, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल 4 लाख।
क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार हमको करंट लाइबिलिटीज अगर निकालना है और वर्किंग कैपिटल भी वहां पर दी गई है, तो वीडियो में हमने देखा था कि इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो क्योंकि करंट एसेट्स यहाँ पर हमको दी गई है 4 लाख और वर्किंग कैपिटल दिया गया है 2,40,000, तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4 लाख माइनस 2,40,000 यानी कि 1,60,000। और क्योंकि जब हमको करंट रेशियो निकालना होगा तो हम देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स तो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दी गई है 4 लाख और करंट लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करके। तो यहाँ हमारा करंट रेशियो हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 यानी 2.5:1। निम्न सूचनाओं से चल अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, ट्रेड पेबल्स 20,000, वर्किंग कैपिटल 3,60,000, करंट लाइबिलिटी 1,20,000। अब क्योंकि यहाँ पर हमको करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। हमने देखा वीडियो में कि किस प्रकार वर्किंग कैपिटल के बेस पे अगर करंट लाइबिलिटी दी गई है तो करंट एसेट्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। जब हम समीकरण बना रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा था कि किस प्रकार हम लायबिलिटी में कैपिटल को अलग से ऐड करके दर्शाते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी, करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी है यहाँ पर 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल है 3,60,000, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 4,80,000। तो यहाँ पर अब हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमने करंट एसेट्स की भी कैलकुलेशन कर ली, करंट लायबिलिटी भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 1,20,000, 4:1। निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल एसेट्स 3 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 80,000, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख, फिक्स एसेट्स 1,60,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिक्टिटियस एसेट्स नील। यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमको क्योंकि हालांकि करंट रेशियो ही निकालना है, चालू अनुपात ही याद करना है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये दोनों चीजें चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है तो हमको अलग करना है इसमें से और ये देखना है कि वास्तव में करंट एसेट्स क्या है इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टोटल एसेट्स इक्वल टू हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स को कई भागों में हम बांट देते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। तो यहाँ पर क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स है हमारी 3 लाख, तो टोटल एसेट्स के साथ हम 3 लाख लिख लेंगे। फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दिया गया है 1,60,000 प्लस इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1 लाख और प्लस करंट एसेट्स को हम वैसे ही रहने देंगे। अब जबकि हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स हमको कैलकुलेट करना है, टोटल 3 लाख में से 1,60,000 और 1 लाख यानी कि 2,60,000 जो है वो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को मिला के है, यानी कि अब जो बैलेंस बचता है ये माना जाएगा कि वो करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख माइनस 2,60,000 इक्वल टू 40,000। तो टोटल एसेट्स हो जाएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, इंक्लूडिंग कैपिटल भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे क्योंकि हम टोटल लायबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते समय देखा था। तो टोटल एसेट्स यहाँ पर दिया गया है 3 लाख इक्वल टू टोटल लायबिलिटी के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है शेयर होल्डर फंड 2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दी गई है 80,000 और प्लस करंट लायबिलिटी लिखकर हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल जो एसेट्स है वो 3 लाख है और इसमें से अगर हम शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो टोटल एसेट्स है यहाँ पर 3 लाख और इसमें से हम माइनस कर देंगे टू लैख 80,000, तो जो 20,000 डिफरेंस बचेगा वो करंट लायबिलिटी होगी हमारी। अब हमने क्योंकि करंट एसेट्स भी फाइंड आउट कर लिया है 40,000 और करंट लायबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली है हमने 20,000, तो अब हम करंट रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी 40,000 अपॉन 20,000 यानी 2:1।
निम्न जानकारी से चालू अनुपात की गणना कीजिए। कुल संपत्ति टोटल एसेट्स 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 60,000, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 20,000, नॉन करेंट एसेट्स 50,000। यहाँ पर भी हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट नया आ गया है या कोई पुराना पॉइंट हट गया है, तो कैलकुलेशन जो है, हालांकि फॉर्मूला तो सब में सेम लगता है, लेकिन बहुत सारे नए पॉइंट जुड़ रहे हैं और बहुत सारे पुराने पॉइंट हट रहे हैं, तो किस पॉइंट को हमको कहाँ पर इंक्लूड करना है, कहाँ पर लेस करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर भी टोटल एसेट्स दिया है और करंट एसेट्स दिया है, टोटल लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो इसके बेस पे हमको यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट एसेट्स जो हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, जो कि हो जाएगा 1 लाख माइनस 50,000, क्योंकि टोटल एसेट्स यहाँ पर 1 लाख दिया है और नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर दिया गया है 50,000, तो माइनस कर देंगे तो करंट एसेट्स निकल जाएगा 50,000। बिल्कुल इसी तरह हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार टोटल एसेट्स में जो है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज को घटा लेने के बाद, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी उनको घटा लेने के बाद जो भी शेष बचता है वही करेंट लाइबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स है 1 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे शेयर होल्डर फंड 60,000 और हम माइनस कर देंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी 20,000, तो बैलेंस बचेगा 20,000। अब करेंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला हमने देखा कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी हो जाता है, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यानी 2.5:1 जो है वो करंट रेशियो हो जाएगा। निम्नलिखित स्थितियों में चालू अनुपात करंट रेशियो की गणना कीजिए। करंट एसेट्स 75,000, करंट लाइबिलिटी 37,500, करंट एसेट्स 80,000, वर्किंग कैपिटल 40,000, करंट लाइबिलिटीज 45,000, वर्किंग कैपिटल 30,000, स्टॉक 50,000, करंट एसेट्स 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 60,000, डेटर्स 50,000, अदर करंट एसेट्स 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, क्रेडिटर्स 80,000, करंट लाइबिलिटीज 1,60,000, वर्किंग कैपिटल 96,000, outstanding expenses 40,000, other current liabilities 80,000, working capital 80,000। यहाँ पर हमको क्योंकि current ratio calculate करना है, हर condition में अलग अलग conditions दी गई हैं, जैसे कि first condition जो है वहां पर current assets और current liability स्पष्ट रूप से निकाल के दे दिया गया है, तो हम सिंपल सा अपना current ratio का यहाँ पर formula लगाएंगे first condition में और हम current ratio calculate कर लेंगे। तो हमने देखा कि करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करंट एसेट्स 75,000 अपॉन करंट लायबिलिटी 37,500, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का 2:1। सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दिया गया है, तो यहाँ पर हमको क्योंकि करंट लायबिलिटी चाहिए करंट रेशियो के लिए, तो यहाँ हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और हमने देखा फॉर्मूला में कि करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए हमको करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करना होता है, तो यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स है 80,000 का, अगर इसमें हम वर्किंग कैपिटल 40,000 माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बैलेंस बचता है 40,000 वो करंट लाइबिलिटी हो जाता है, तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 80,000 माइनस 40,000 यानी 40,000। करंट रेशियो हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी यानी 80,000 अपॉन 40,000 यानी 2:1। थर्ड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि करंट रेशियो हमको निकालना है और हमको करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दो चीजें दी गई हैं, तो इनके आधार पर हम बहुत आसानी से करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, करंट लाइबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को जोड़ देना है, तो यहाँ करंट लाइबिलिटी है 45,000 और वर्किंग कैपिटल है 30,000, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 75,000। अब हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे यहाँ पर करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स है 75,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी है 45,000 यानी कि ये हो जाएगा 1.7:1। फोर्थ कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दिया गया है, तो यहाँ पर क्योंकि एसेट्स है, इसके पहले वाले पॉइंट पर लायबिलिटी थी तो हमने वर्किंग कैपिटल उसमें ऐड किया था,
लेकिन यहाँ पर एसेट्स के बेस पे हमको लाइबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स यहाँ पर 1 लाख दिया है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल 60,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 हमारी करंट लाइबिलिटी हमको मिल जाएगी। और करंट एसेट्स जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 1 लाख अपॉन 40,000, तो ये 2.5:1 ये हमको करंट रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमको दिया गया है करंट एसेट्स 1,50,000, यानी कि 1 लाख जो है वो तो करंट एसेट्स है लेकिन 50,000 का डेटर्स भी दिया गया है, तो टोटल अगर हम एसेट्स की बात करें तो वो 1,50,000 हो जाता है करंट एसेट्स, और साथ में वर्किंग कैपिटल दिया गया है और हमको करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बेस पे करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि हम पहले कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। हमने पहले वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है कि कैसे हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की दशा में, और कैसे हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट और कैसे हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की कंडीशन में। तो यहाँ पर हमको क्योंकि करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दिया गया है और इसके बेस पे हमको करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, यानी कि 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये 50,000 हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। अब क्योंकि करंट लाइबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली और करंट एसेट्स तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1 लाख का करंट एसेट्स प्लस 50,000 का डेटर्स मिलाकर 1,50,000 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 1,50,000 अपॉन 50,000, तो ये हो जाएगा 3:1। सिक्स कंडीशन में हम देख रहे हैं कि टोटल करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर दो चीजों को मिलाकर आएगा, एक तो करंट लाइबिलिटी अलग से दे दिया गया है और क्रेडिटर अलग से दे दिया गया है, जबकि दोनों मिला के करंट लाइबिलिटी होंगी। तो यहाँ पर एक तो हमको करंट लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल वैसी ही जानकारी एसेट्स के लिए भी दी गई है, तो करंट लाइबिलिटी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल के बेस पे हम बहुत आसानी से करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटी, तो ये हो जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, यानी 80,000 प्लस 1,60,000, यानी 2,40,000। अब क्योंकि करंट एसेट्स हमको कैलकुलेट करना है किसके बेस पे, करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल के बेस पे, तो ये जो करंट एसेट्स होता है अगर करंट लाइबिलिटीज में हम वर्किंग कैपिटल ऐड कर दे तो टोटल जो होता है वो करंट एसेट्स होता है। तो करंट लाइबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 1,60,000 और इसमें हम प्लस कर दें वर्किंग कैपिटल 96,000, तो टोटल हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा 2,56,000। अब क्योंकि हमको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों हमने कैलकुलेट कर ली है तो अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 2,56,000 अपॉन 2,40,000, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का 1.06:1। नेक्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमको करंट लाइबिलिटी दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है और अदर करंट लाइबिलिटी दी गई है। तो हमने पहले भी देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्तव्य जो होते हैं वो हमारे लिए एक प्रकार की लाइबिलिटी होते हैं और करंट लाइबिलिटी में ही शामिल करते हैं हम उनको, तो ये अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है और जो अदर करंट लाइबिलिटीज है दोनों मिलकर करंट लाइबिलिटीज यानी टोटल करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब हम टोटल करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं और वर्किंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो इसके आधार पर हम फिर करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अदर करंट लाइबिलिटी के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 80,000 अदर करंट लाइबिलिटी, यानी कि 1,20,000। ये हमने करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके बेस पे और वर्किंग कैपिटल के बेस पे करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी है 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल है 80,000, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 2 लाख। अब क्योंकि हमने करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर लिया था 1,20,000, करंट एसेट्स भी हमको मिल गया 2 लाख, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे करंट रेशियो
इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट्स हमने देखा 2 लाख है हमारे पास, करेंट लाइबिलिटी है 1,20,000। तो ये हो जाएगा करेंट रेशियो इक्वल टू 2 लाख अपॉन 1,20,000, यानी 1.67:1। निम्नलिखित स्थितियों में त्वरित अनुपात क्विक रेशियो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, क्विक एसेट्स 1,50,000, करेंट लाइबिलिटी 75,000। सेकेंड, स्टॉक 60,000, करेंट एसेट्स 1,20,000, वर्किंग कैपिटल 72,000। थर्ड, इन्वेंट्रीज 1 लाख, अदर करेंट एसेट्स 1,50,000, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। फोर्थ, क्रेडिटर 60,000, करेंट लाइबिलिटीज 1,20,000, वर्किंग कैपिटल 72,000, स्टॉक 42,000। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, अदर करेंट लाइबिलिटीज 1,80,000, वर्किंग कैपिटल 1,60,000, स्टॉक 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। अब यहां पर हमको सभी कंडीशन में क्विक रेशियो ही कैलकुलेट करना है, जबकि हमने देखा कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। कहीं पर हमको करंट लाइबिलिटी के बेस पे करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है, कहीं हमको वर्किंग कैपिटल के बेस पे करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल हमने कैलकुलेशन तो हमको अलग अलग टाइप से करनी है, लेकिन कैलकुलेशन फाइनली हमको जो कैलकुलेट करना है वो है क्विक रेशियो। तो हर कंडीशन में क्विक एसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करें और करंट लाइबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारे लिए नया होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्विक रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहां पर हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में क्विक एसेट्स भी दिया है और करंट लाइबिलिटी भी दी गई है। तो बहुत आसानी से हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 1,50,000 अपॉन 75,000, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 2:1 यानी कि 2:1 इसका क्विक रेशियो आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में जबकि करंट एसेट्स दिया गया है और वर्किंग कैपिटल दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम करंट लाइबिलिटी ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। हमने देखा कि करंट लाइबिलिटी जो होती है वो करंट एसेट्स में अगर हम वर्किंग कैपिटल को हटा दें तो जो बैलेंस है वो करंट लाइबिलिटी के इक्वल रहता है। तो ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स यहाँ पर दी गई है 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल दिया गया है 72,000। तो यहाँ पर हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 48,000। अब हमने करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर ली। क्विक एसेट्स हमको चाहिए, तो क्विक एसेट्स का हमने फॉर्मूला देखा कि करंट एसेट्स जो होते हैं उसमें से हम स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज वगैरह माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस आता है वो क्विक एसेट्स कहलाता है। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको करंट एसेट्स दिया गया है 1,20,000, इसमें से माइनस कर दे स्टॉक दिया गया है 60,000 का, तो बैलेंस अमाउंट जो 60,000 की बचती है वो क्विक एसेट्स हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर हमने करंट लाइबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली, क्विक एसेट्स भी फाइंड आउट कर लिया, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बहुत आसानी से यहाँ पर हम क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स हमको मिला है 60,000 और करंट लाइबिलिटी हमको मिली है 48,000। तो ये हो जाएगा 60,000 अपॉन 48,000 यानी 1.25:1। तो थर्ड कंडीशन जो है वहां पर हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स दिया गया है लेकिन साथ में इन्वेंट्रीज अलग से दे दिया गया है। तो पहले तो हम करंट एसेट्स बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ लें और फिर हम उसमें वर्किंग कैपिटल माइनस करें। तो ओवरऑल हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा 1,50,000 और प्लस इन्वेंट्रीज 1 लाख यानी 2,50,000, और फिर हम इसमें माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल 1,50,000। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 1 लाख। अब क्विक एसेट्स हम कैलकुलेट कर ले, तो हमने देखा कि क्विक एसेट्स हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस करके क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो करंट एसेट्स हमने देखा कि 2,50,000 हमने निकाला है, तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्विक एसेट्स आ जाएगा। तो करंट एसेट्स है यहाँ पर 2,50,000, इसमें से हम इन्वेंट्री यानी 1 लाख माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 1,50,000। ये हमने क्विक एसेट्स भी प्राप्त कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट्स है 1,50,000, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख, तो ये हो जाएगा
क्विक रेशियो इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1,00,000 यानी 1.5:1। फोर्थ कंडीशन में करंट एसेट्स हमको कैलकुलेट करना है और क्विक एसेट्स हमको कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स के लिए हमारे पास वही दो चीजें हैं यहाँ पर, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो करंट एसेट्स हमको मिल जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी प्रश्न में दी गई है 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल प्रश्न में दिया गया है 72,000। तो यहाँ पर 1,20,000 प्लस 72,000 यानी 1,92,000 जो है वो करंट एसेट्स हो जाएगा। और ऐसे ही हम क्विक एसेट्स ज्ञात कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं तो करंट एसेट्स है यहाँ पर 1,92,000 और इन्वेंट्रीज है 42,000। माइनस करने से यहाँ पर हमको बैलेंस मिल जाएगा 1,50,000 जो कि क्विक एसेट्स हो जाएगा। अब हमने क्विक एसेट्स भी ज्ञात कर लिया, करंट एसेट्स भी ज्ञात कर लिया और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास 1,20,000 की थी। तो इसके बेस पर हम क्विक रेशियो कैलकुलेट कर देंगे जिसका कि फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स है 1,50,000 और करंट लायबिलिटी है 1,20,000। तो 1,50,000 अपॉन 1,20,000 यानी 1.25:1 जो है वो हमारा क्विक रेशियो हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन में यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अर्निंग अदर करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल दी गई है, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास उसके आधार पर हमको एक तो सबसे पहले करंट एसेट्स ज्ञात करना होगा क्योंकि क्विक एसेट्स के लिए हमको करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और दूसरा हमको करंट लायबिलिटी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि करंट एसेट्स में किन किन चीजों को जोड़ना है और घटाना है। तो एक तो नया पॉइंट जो बाकी क्वेश्चन से नया हमको यहाँ पर दिख रहा है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम ऐड कर देंगे करंट लायबिलिटी क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने आप में एक प्रकार की करंट लायबिलिटी है। इसमें हम अदर करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट लायबिलिटी बन जाएगा और फिर इसमें जब हम वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे तो हमको करंट एसेट्स मिल जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000, इसमें हम ऐड कर दिए 1,80,000 अदर करंट लायबिलिटी और फिर हम इसमें ऐड कर दिए वर्किंग कैपिटल 1,60,000। तो ये टोटल 3,60,000 जो है वो करंट एसेट्स हो जाएगा। अब क्योंकि हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया है तो इसके बेस पे हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने देखा कि क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमको करंट एसेट्स में से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीजें दिखाई दे रही हैं जो हमको माइनस करनी होंगी, एक तो स्टॉक जिसे हम इन्वेंटरीज कह के माइनस करते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स जो है वो है 3,60,000 के, स्टॉक है 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000। तो 3,60,000 में हम 50,000 और 10,000 माइनस कर देंगे तो 3,00,000 की जो अमाउंट हमको मिलेगी वो क्विक एसेट्स हो जाएगी। अब क्योंकि क्विक एसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है और अदर करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है 1,60,000 की, तो अब हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी क्विक रेशियो इक्वल टू 3,00,000 अपॉन 2,00,000 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5:1।